हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज की वीडियो हम भारतीयों के लिए बहुत काम की होने वाली है। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है भारत को आत्मनिर्भर बनाने को, तो भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम लोगों को चाहिए कि हम लोग फॉरेन प्रोडक्ट्स यानी बाहर के प्रोडक्ट्स का बायकॉट करें यानी बहिष्कार करें। आज की वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से ऐसे ब्रांड्स हैं जो सुनने में तो भारतीय लगते हैं लेकिन रियलिटी में वो विदेशी हैं, और कौन से ऐसे ब्रांड्स हैं जो सुनने में विदेशी लगते हैं लेकिन हैं भारतीय, और इसीलिए हम अक्सर धोखा खा जाते हैं। तो मैं आपसे पहली बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस वीडियो को जितना हो सके उतने भारतीय लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि वो लोग भी अच्छे से समझ सकें कि स्वदेशी ब्रांड कौन से हैं और विदेशी ब्रांड कौन से। इसी बीच आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन से ऐसे इंडियन प्रोडक्ट्स हैं जो आपको अपनी डेली लाइफ में यूज़ करना चाहिए, और अगर आप चाहें तो फॉरेन ब्रांड भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। तो दोस्तों, वीडियो बहुत काम की होने वाली है, और अगर आप इंडियन हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं खाने पीने की, जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। खाने पीने की बात करें तो उसमें विदेशी ब्रांड्स हैं कोका कोला, लिम्का, थम्स अप, सेवन अप, पेप्सी, कॉम्प्लान, हॉर्लिक्स, पीडियाश्योर, ओरियो, केलॉक्स, नेस्कैफे, कैडबरी, मैगी। और इनके विकल्प की बात करें जो स्वदेशी ब्रांड्स हैं यानी इंडिया के जो ब्रांड हैं, वो हैं अमूल, पार्ले, ब्रिटानिया, फॉर्च्यून, सफोला, डाबर, टेटली टी, प्रिया गोल्ड, अनमोल, बी नेचुरल, सनफीस्ट, बिंगो, यिप्पी नूडल्स, कैंडीमैन, वाघ बकरी, मदर डेरी, फ्रूटी और रसना। ये भारतीय ब्रांड्स हैं, आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। होम अप्लायंस की बात करें तो विदेशी ब्रांड्स में आते हैं सैमसंग, एलजी, वर्लपूल, सोनी, निकॉन, पैनासोनिक, एंकर, कैनन, हिताची, कैरियर, तोशिबा, फिलिप्स, एचपी, डेल, रैडो, रोलेक्स, हायर, हुआवे, टीसीएल, हनीवेल और ड्यूरासेल। और दोस्तों, इनकी टक्कर में हमारे भारत के जो ब्रांड्स हैं वो हैं माइक्रोमैक्स, लावा, कार्बन, वोल्टास, वीडियोकॉन, बीपीएल, सेलोरा, ऊषा, बजाज, ब्लू स्टार, एवररेडी, गोदरेज, ओनिडा, हेवेल्स, फास्ट ट्रैक, तनिष्क, सोनाटा, सूर्या, प्रेस्टीज और एक्साइड। आप इन भारतीय ब्रांड्स को प्रेफर कर सकते हैं। अगर फैशन क्लोथिंग और फुटवेयर की बात करें तो विदेशी कंपनी की लिस्ट में आते हैं एडिडास, प्यूमा, रीबॉक, ली, कॉन्वर्स, नाइकी, फीला, बाटा, लिवाइस, यूएस पोलो, जैक एंड जोन्स, वुडलैंड, जॉकी, ज़ारा, मैक्स फैशन जैसे ब्रांड्स। और अगर हम स्वदेशी ब्रांड्स की बात करें जो विदेशी ब्रांड्स के विकल्प हैं, वो हैं स्पार्क्स, व्रोंग, रेड टेप, बॉम्बे डाइंग, खादिम्स, लखानी, रिलैक्सो, पीटर इंग्लैंड, रेड चीफ, लुइस फ्लिप, ब्लैकबेरी, पेंटालूंस, पार्क एवेन्यू, रेमंड, सियाराम, एचआरएक्स और किलर जैसे ब्रांड्स, जो एक भारतीय को चाहिए कि वो इसको प्रेफर करे। वाटर की बात करें तो विदेशी ब्रांड्स हैं एक्वाफीना, किनली, प्योर लाइफ, और स्वदेशी ब्रांड्स की बात करें तो वो हैं हिमालया, रेल नील, बेस्लेरी। इन स्वदेशी ब्रांड्स को आप प्रेफर कर सकते हैं। और अगर टूथपेस्ट की बात करें तो विदेशी ब्रांड्स हैं पेप्सोडेंट, ओरल बी, कोलगेट, सेंसोडाइन, ये सभी विदेशी ब्रांड्स हैं। और स्वदेशी ब्रांड्स की बात करें तो वो हैं डाबर रेड, पतंजलि दंतकांति और बैद्यनाथ, ये सब भारतीय ब्रांड्स हैं, आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ जो ब्रांड्स की लिस्ट बनाकर मैंने आपको बताई है वो काफ़ी हेल्प करेगी आपको ब्रांड्स चूज़ करने में।
और अगर मुझसे ब्रांड्स पुटअप करने में कोई गलती हो गई हो और आप कोई सजेशन देना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए ताकि हर भारतीय को स्वदेशी ब्रांड्स और विदेशी ब्रांड्स के बीच में अंतर पता चल सके। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए और अपना कीमती टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही।